गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश की वर्कशीट हम करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग हर्ड्स विद एनिमल्स। हर्ड्स क्या होते हैं? झुंड या समूह, किसी भी जानवर का या पशु पक्षी का, कीड़े का, किसी का भी। तो ये एनिमल्स हैं और उनको उनके हर्ड से मैच करना है। जैसे कि फिश, मछली, फिश के मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं? स्कूल। आउल यानी कि उल्लू, उल्लू के समूह को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जेब्रा, जेब्रा के समूह को क्या बोलते हैं? झील। बर्ड, पक्षियों के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। लॉयन, शेर के झुंड को क्या बोलते हैं? प्राइड। बी, मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म। नेक्स्ट है माइसेल्फ के, अपने बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है, ये आप खुद से करेंगे। जैसे सबसे पहले माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप कितने साल के हो और किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, स्कूल का नाम, ये सब आपकी मेन जो पॉइंट होते हैं माय सेल्फ के, ये करने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको एक स्टोरी पढ़नी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, ये हम आज पढ़ेंगे। ए हेयर एंड ए टॉर्टॉइस हैड ए रेस। हेयर क्या होता है? H-A-R-E, हेयर मतलब खरगोश, टॉर्टॉइस कछुआ। एक कछुए और खरगोश में एक बार रेस होती है। दे हैड टू रीच द पॉन्ड, उन दोनों को एक तालाब तक पहुंचना होता है जो उनका पॉइंट होता है पहुंचने का। द हेयर रैन फास्ट, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ा। द टॉर्टॉइस वॉक्ड स्लोली, लेकिन जो कछुआ था बेचारा धीरे धीरे चल रहा था। द हेयर वॉज श्योर दैट ही वुड विन द रेस, खरगोश को पूरा यकीन था कि वो रेस जीत जाएगा। ही स्लैप्ड अंडर ए ट्री, तो क्या हुआ, उसने सोचा कुछ देर के लिए मैं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, तब तक तो कछुआ बहुत पीछे रह जाएगा। तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। द टॉर्टॉइस डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, लेकिन कछुए ने कोई भी रेस्ट नहीं किया। ही कैप्ट वॉकिंग, वो चलता रहा। ही रीच्ड द पॉन्ड फर्स्ट, वह तालाब पे खरगोश से भी पहले पहुंच गया। द हेयर गॉट अप एंड बिगेन टू रन, अब जैसे ही खरगोश की नींद खुली उसने दौड़ना शुरू किया। बट ही सॉ द टॉर्टॉइस वॉज ऑलरेडी देयर, लेकिन उसने देखा कि टॉर्टॉइस तो उससे भी पहले पहुंच गया है, क्योंकि टॉर्टॉइस ने तो रेस्ट किया ही नहीं था। द टॉर्टॉइस वन द रेस, और वह जो कछुआ था रेस जीत गया। तभी तो इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है, एक मोरल बात हमें पता चलती है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे और बिना रुके प्रयास करते रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। अब क्वेश्चन के आंसर हैं, हु वॉज स्लो, धीरे कौन था, कौन धीरे चल रहा था? द टॉर्टॉइस वॉज स्लो। हु रैन फास्ट, तेज कौन दौड़ा? द हेयर रैन फास्ट, लेकिन रेस किसने जीती? हु वन द रेस, द टॉर्टॉइस वन द रेस, कछुए ने रेस जीत ली। हु डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, किस कौन था जिसने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया? द टॉर्टॉइस डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, टॉर्टॉइस ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया इसलिए वो रेस जीत गया। राइट राइमिंग वर्ड्स, इससे स्टोरी से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। स्लो ब्लो, फास्ट लास्ट, हेयर रेयर, रेस फेस। इसके जो अलावा भी होते हैं राइमिंग वर्ड्स वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।